हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती चहेती भाटिया जी, ससुराल सिमर का सीजन टू, जो उसका पार्ट टू है उसे लेकर। जयती जी, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है वापस ससुराल सिमर का में, माता जी की भूमिका करके। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब मुझे पता चला था कि ससुराल सिमर का टू बन रहा है, उड़ती उड़ती सी खबर आई थी, तो तब कुछ भी नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि वही, जैसे हमने जहाँ पे एसएसके वन शुरू खत्म किया था, वहीं से हम दोबारा से शुरुआत करेंगे। बट ये तो एक बिल्कुल ही नया किरदार है गीतांजलि देवी ओसवाल का, जो माता जी जैसी है पर माता जी नहीं है। तो एक उनकी एक अलग जर्नी है। सो वेरी एक्साइटेड, और ऑडियंस की तरफ से इतनी इतनी जिज्ञासा है उन लोगों की, इतनी चाहत है, वो जानना चाहते हैं क्या है ये सब, क्या होने वाला है, कौन कौन है, कि उन लोगों की एक्साइटमेंट देखकर अपनी एक्साइटमेंट तिगुनी चौगुनी बढ़ गई है। सीजन वन जो था वो बहुत 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 बड़ा हिट हुआ था, तो लेकिन फैंस के एक क्वेश्चन ये था कि इतना समय क्यों लगा सीजन टू में आने में। मेरे ख्याल से जब तक सही कहानी, सही मोड, सही वक्त ना हो, तब तक तो कुछ भी नहीं होता। तो ससुराल सिमर का टू को आने में इसीलिए समय लग गया, शायद इसीलिए क्योंकि किस तरह से एसएसके टू को प्रेजेंट करेंगे ये सब लोग शायद सोच रहे होंगे। सबके दिल में तो यही इच्छा, जब भी कोई हिट शो खत्म होता है तो आप हमेशा सोचते हैं कि इमीडिएटली नया शुरू होगा या उसका पार्ट टू शुरू होगा। तो ये एक नया आप देख रहे हैं, पिछले एक साल से हमारे बहुत सारे सीजन टू आए अलग अलग शोज के, किसी ने बहुत बढ़िया किया, किसी ने ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उस शो के जो जर्म था, जो उसका जो कोर था, उसको जब तक आप जिंदा रखेंगे, आपका शो जरूर एक्सेप्टेड होगा। तो आज हमें एसएसके टू, ससुराल सिमर का टू की कहानी जो है वो हमें मिल गई है, तो इसीलिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑल्सो फैंस ये जानना चाहते हैं दीपिका के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब अगेन यू आर वर्किंग विथ हर, तो कुछ चेंजेस लग रहा है उसमें, बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत कहना चाहती हूँ कि हाँ, बहुत कुछ बदल गया है और पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जब हम सीन करने आए तो पहले तो हम हाथ पकड़ के खूब हंसे, क्योंकि इट वॉज सच वंडरफुल मेमोरीज एंड वी वर कमिंग बैक टुगेदर एज सिमर एंड माता जी। और फिर उसके बाद सीन खत्म करने के बाद जब हमारा मास्टर शॉट हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ देखते रहे हम एक दूसरे की तरफ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हम एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, उस वक्त हमने पूरे भारद्वाज परिवार को अपने बीच में देख रहे थे। और वो 6-7 साल जो हमने साथ में बिताए थे वो हमारी नजरों के सामने गुजर रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर हमको थोड़ा सा ऐसा कोई टोका भी मार देता ना, तो हम उस वक्त बहुत जोर से बह बह करके रो पड़ते, क्योंकि वी वर मिसिंग एवरीबडी। बहुत ही ग्रैंड रोल है ये आपका, और बाकी के साथ में बहुत सारे पुराने कलाकार हैं, नए कलाकार जुड़ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, किसका रोल कैसा होने वाला है, लंबा छोटा, कुछ और डिटेल्स इफ यू कैन जस्ट गिव स्नीक पीक। माता जी होंगी, लेकिन इसमें जो पिवोटल कैरेक्टर है, जो एकदम नींव है, वो गीतांजलि देवी ओसवाल का है। और उन्हीं की ये परिवार की कहानी है। उन्होंने घर को भी संभाला है माता जी की तरह, और उन्होंने अपने बिजनेस को भी संभाला है। माता जी का दद्दू जी हलवाई था, यहाँ पर वो माँ दुर्गा पेठा भंडार उन्होंने बनाया है। एक साइकिल से शुरुआत की थी पेठा बेचने की, और आज वो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है। उनका सपना ये है कि ऐसे घर में लड़की लाए अपने बहू के रूप में, जो परिवार को साथ इकट्ठा रख सके। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी है। और जो पुराने लोग हैं उसमें से अभी तो मेरे साथ सिमर ही है। मैं ये बहुत दिल में विश्वास लिए बैठी हूँ, बहुत दिल में ये मांगा था कि ससुराल सिमर का टू हो, और वो हुआ और मैं उसमें हूँ। ये बड़ी किस्मत वाली बात है और सिमर मेरे साथ है। मैं ये चाहूंगी कि कभी ना कभी मेरा भारद्वाज परिवार भी हमारे साथ जुड़े। ओसवाल परिवार को मैं अभी अपना रही हूँ, धीरे धीरे वो भी मेरे रगों में बसने लगेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कभी ना कभी कोई आता जाता रहेगा, जस्ट टू कीप द एसएसके वन फ्लेवर इंटैक्ट। नाइस, वेल सेड। न्यू सिमर मिल गई है, राधिका ने अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, तो कुछ बताइए उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, प्लस आपकी उसके साथ जो बॉन्डिंग।
मुझे याद नहीं था, पर मुझे राधिका ने याद दिलाया कि मैं जब इंटरनेट वाला लव कर रही थी तो वो मुझसे मिली थी अपने दोस्त के साथ, जो हमारे साथ एक किरदार कर रहे थे उसमें। और यहाँ काम करने के बाद मुझे लगा कि काफी सुलझी हुई लड़की है, और जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये बड़ी बहुत बढ़िया बात होती है कि जब जो हमारे शो का जो थीम है वो एक्चुअली दीपिका, बड़ी सिमर और छोटी सिमर, अगर आप देखा जाए तो वो दोनों ही उसमें खरी उतरती हैं, नॉट जस्ट एज एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स बट एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, क्योंकि उन दोनों ने अपने सपनों को बरकरार रखते हुए अपने परिवार को भी देख रही हैं वो। ऑफ कोर्स सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, ये तो जरूरी है कि आपके फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट मिले। एंड काफी कमिटेड एक्टर है इस राधिका, और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि उनके साथ सीन करूं, और वो जो बहुत एक्साइटमेंट दिखा रही है कि जयती जी के साथ काम करने की बड़ी इच्छा है उनको, पता नहीं मैं बड़ी डिसिप्लिनेरियन हूँ। वो तो पता है हम सबको। क्या पता बीच में डांट भी दू। नहीं वो तो नहीं होगा, यू विल क्रैक जोक्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी। सो पब्लिक को जब आप मिलती है तो मुझे बताइए, वो प्यार देते हैं या कुछ डरते हैं आपसे कि अरे ये सासू माँ आ गई, मतलब क्या क्या रिएक्शन आता है व्हेन यू गो विद दिस कैरेक्टर? बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। प्यार तो मिलता ही है लेकिन ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर की कोई बड़ी है। मुझे सब लोग आकर मिलते हैं, ये शायद सभी एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं उनके परिवार की नहीं हूँ। सेट पर भी ऐसा होता है कि लोग आते हैं तो वो अपने अपने परेशानियां बताना शुरू करते हैं, तो आप एक बार ये लगता है कि यार मैं तो इतना इनको जानती नहीं, शुरू शुरू में ऐसा लगता था ये मुझे अपनी परेशानियां क्यों बता रहे हैं, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वो मुझे नहीं बता रहे, वो जयती भाटिया से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो माता जी को अपनी तकलीफें बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माता जी शायद उन्हें कोई राह दिखा पाए या सिर्फ सुनी लें और सर पे उनके प्यार से हाथ रख दे और कहे कि मत जा माता जी, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि लोग आकर अपने, हम जब कहते हैं आजकल की दुनिया में जो चल रहा है उस हिसाब से आपके पास कोई बात करने को नहीं होता, लेकिन वो जब आकर मुझे अपने दिल की बात बताते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे मेरे से ब्लेस्ड इंसान इस दुनिया में कोई। आपने ये जो बात की कि आजकल जो माहौल है, जैसे कोविड का बहुत मतलब गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम्स, तो ये शूटिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कैसे डर लग रहा है, एक्सपीरियंस क्या है, कैसे करने वाले, प्रिकॉशंस क्या रहेंगे प्लीज? देखिए दिल में दुकदुकी तो लगी रहती है, जैसे आपके भी दिल में है, आप घर पे हैं लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है। जो लोग जिस तरह की हमारे देश में इस वक्त सेकेंड वेव थर्ड वेव जो भी आप कहिए कोविड का आया है, इसने बहुत ही डरा दिया है, क्योंकि इट इज कमिंग वेरी क्लोज। पहले सुनते थे किसी का किसी का किसी का, पर जब मुझे ये सुनने को मिला कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त मित्र वो एट द एज ऑफ 49 ही पास्ट अवे, और हमने उनको देख भी नहीं पाए, मिल भी नहीं पाए, बिकॉज ही वाज इन द हॉस्पिटल। तो ये दीज आर वेरी वेरी डियर पीपल। तो लेकिन हम घर से बाहर निकल के आगरा जाकर शूट कर रहे हैं, बाकी टेलीविजन के लोग दूसरी दूसरी जगह पे जाकर शूट कर रहे हैं, तो मैं ऑडियंस से ये कहूंगी ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हाँ हम अपनी आजीविका कमा रहे हैं, डेफिनेटली कमा रहे हैं, लेकिन हर रोज आपको हम नया एपिसोड इसलिए लाकर देंगे ताकि आप लोग घर से बाहर ना निकले, सुबह से लेकर रात तक हम आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए बाहर ना जाए, बोरियत ना हो। इसीलिए हम कुछ हद तक अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए नए नए एपिसोड ला रहे हैं। तो 26 अप्रैल से सोमवार से शनिवार 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक कहीं मत निकलना, ससुराल सिमर का 2 देखना, और हमें बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये जरूर कहेंगे कहूंगी कि हम सब कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए शूट कर रहे हैं, इतनी गर्मी में मास्क लगाए रहते हैं थ्रू आउट, जब तक शॉट के लिए तैयार ना हो जाए। जब टेक एक्शन होने से ठीक पहले हमारे डायरेक्टर्स हमें कहते हैं कि अच्छा अब हम टेक लेने जा रहे हैं, तो हम मास्क उतारते हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर, हर 2 सेकंड के बाद कोई ना कोई हमें सेट पर आकर अपने हमारे हाथ सैनिटाइज करा देता है, हमारे वैनिटी वैन, हमारे रूम सब सैनिटाइज होते हैं। सो अपनी तरफ से हर कोशिश की जा रही है, और सेट पर मिनिमम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आप सभी को कहेंगे कि किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, सब सेफ रहिए, और ये हमें अभी करते रहना पड़ेगा काफी समय तक। ऑफ कोर्स। चलते चलते लास्टली चैलेंज एंड तुतु मैमे से आपने शुरुआत की थी और आज तक इतने बड़े बड़े कमाल के रोल्स आप करते आ रहे हैं, जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो कैसा लगता है?
मुझे हमेशा ही लगता है कि कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। मुझसे बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत नाम हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो ऐसा लगता है कि अरे अरे यार लोग तो ये तो मेरे साथ ही शुरू हुए तो वहां पहुंच गए। लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मैंने सोचता मैं तो यहाँ भी पहुंचूंगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था। और मुझे देखकर बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे मैम ने इतना काम कर लिया या जयती वहां तक पहुंच गई। तो कंपैरिजन की बात नहीं है, जहां तक पहुंचे अपनी मेहनत से पहुंचे, आप लोगों के प्यार की वजह से पहुंचे हैं। और बहुत कमाल की बात है कि एक्टर होने के नाते इतने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स मुझे करने के लिए मिले। इससे ज्यादा एक एक्टर के लिए क्या बढ़िया हो सकता है कि आई एम अर्निंग माई प्रोफेशन थैंक्स टू माई पैशन। वाह, बट ऑल्सो टीवी के साथ साथ मूवीज, यू नो, ओटीटी पे भी एंड ड्रामास, पीपल डोंट नो दैट, ज्यादा लोग को नहीं पता, बट आप प्लेज जी, करते हैं बहुत कमाल मैं ये से। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत मैं उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं थिएटर की ट्रेंड हूँ, मैं अभी भी थिएटर करती हूँ, मैं प्लेस करती हूँ और टेलीविजन तो किया ही है। थिएटर टेलीविजन की वजह से मैं थिएटर कर पाई इतने सालों तक, क्योंकि आई कुड अर्न माई लाइवलीहुड फ्रॉम हियर एंड रिटेन माई पैशन फॉर थिएटर। उसके बाद वेब सीरीज में आप मैंने अपने कदम रखे हैं और मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म्स भी कुछ कुछ मिल रही हैं, तो इसीलिए वक्त अच्छा है, समय अच्छा है और अच्छा ही हो रहा है। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना ख्याल रखिएगा, शूट कीजिएगा अच्छी तरह से एंड जल्दी मिलिएगा। जी जरूर, थैंक्स। और आप लोग सब देखिएगा 26 अप्रैल से शाम को 6:30 बजे कलर्स पर ससुराल सिमर का 2। यस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।